इससे पहले तो मैं आप सभी मीडिया से आए हुए सभी बंधुओं का हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपको विदित है कि यहां पे मार्च के फर्स्ट वीक में टेस्ट मैच होने जा रहा है, उसके लिए एचपीसी की जो तैयारी है उसके लिए आप जो भी पूछना चाहते हैं। सर, फर्स्ट मार्च से यहाँ पर जो मैच जो है वो होने वाला टेस्ट मैच, कितनी तैयारियां जो है एचपीसी की ओर से कर ली गई है? एचपीसी की तरफ से जो तैयारियां हैं, इस टाइम हम फाइनल स्टेज पे हैं, स्टैंड्स का काम चला हुआ है और ग्राउंड का तो लगभग पूरा ही हो गया है, घास वगैरह आ गई है और अच्छी स्ट्रेंथ के साथ घास आ रही है, तो लगभग 10-15 दिन के बीच हम सब कुछ तैयार कर लेंगे। देखने को मिलता था कि बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाते थे, मगर इस बार कुछ क्या खास किया जा रहा है, बाहर से घास मंगवाई गई है तो उसका किस तरह से प्रोसेस जानकारी? घास तो अलग बात है, इसमें जो हमने सिस्टम इंस्टॉल किया है सीसीआर सिस्टम होता है, ये इंडिया में दूसरा ग्राउंड है जहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। पहला ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में है और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में होगा। जितनी मर्जी बारिश हुई, बस बारिश रुकनी चाहिए और 15 से 20 मिनट के अंतराल में हम दोबारा गेम स्टार्ट कर सकते हैं इसके लिए। और जो इसके ऊपर घास उगाया जा रहा है उसको राय ग्रास बोलते हैं, वो स्पेशली इंग्लैंड से आया है और वो स्पेशली विंटर ग्रास है, जितनी ज़्यादा सर्दी होगी उतनी जल्दी वो निकलेगा। तो आप देख सकते हैं कि घास तो ऑलमोस्ट निकल ही आया सारा चारों तरफ से। इसके अलावा खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था भी खिलाड़ी जो भी मैं दोनों टीमें हैं ऊपर रेडिसन ब्लू जो एचपीसी का होटल है उसी में रुकेंगे, उसके साथ जो बीसीसीआई के ऑफिशियल्स कम्युनिकेटर और भी जो भी टीम जाएंगी बीसीसीआई की वो सारे रेडिसन ब्लू में ही रुकेंगे। 2017 के बाद एक बार से जो ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ पे दोबारा जो है यहाँ पर आ रही है, तो किस तरह से वो यानी दिल्ली के मैच से एकदम से यहाँ आ जाएगी या थोड़ा बहुत लेके आएगी या कितना टाइम पहले आएगी? देखो अभी अधिकारिक तो कुछ नहीं है हमारे पास आया है कि वो कब उनका ट्रैवल शेड्यूल अभी आया नहीं है, लेकिन टैप के लास्ट वीक में कभी 25-30 के बीच में कभी भी आ सकते हैं। जैसे ही उनका ट्रैवल शेड्यूल एचपीसी को आ जाएगा हम आपके साथ उसको शेयर कर देंगे। सर, वुमेन आईपीएल को लेकर की भी चर्चाएं जो है वो बहुत तेज उठ रही हैं, क्या ये मात्र चर्चाएं हैं या सत्य है? नहीं, ये सत्य ही है। वुमेन आईपीएल के लिए जो वेन्यू डिसाइड हुए ऑल ओवर इंडिया, उसमें से धर्मशाला हमारा क्रिकेट स्टेडियम भी उसमें से एक है, वेन्यू डिसाइडेड है, बस अब बीसीसीआई की जो मीटिंग हो गई उसमें डिसाइड किया जाएगा कि कब से इसकी ऑप्शन होनी है प्लेयर्स की, कब से इन्होंने इसको स्टार्ट करना है। मीडिया राइट्स तो आपने देखा ही होगा कि वो सब बिक चुके हैं, मीडिया राइट्स तो सारे वीमेन आईपीएल के टेंडरिंग हो गई है, बोली हो गई है, स्लॉट भी हो गई है। तो जो वुमेन क्रिकेटर इधर आएंगी उनके लिए ठहरने की क्या व्यवस्था होगी, क्या स्पेशल, क्योंकि पहली मर्तबा जो है वो एचपीसी को के स्टेडियम में महिलाएं जो है वो खेलेंगी, तो किस तरीके की तैयारी एचपीसी की रहने वाली है? एचपीसी की वैसी तैयारी रहेगी जैसे मेंस के लिए रहती है वैसी वीमेंस के लिए रहेगी। जो सुविधाएं हम मेंस टीम्स को देते हैं वही वीमेंस टीम को देंगे, इसमें कोई अलग नहीं होगा। दोनों में मेंस और वीमेंस क्रिकेट को दोनों को प्रमोट करने के लिए एक जैसी ही व्यवस्था रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। शाह जी, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो टीम 18 सदस्यीय टीम जो घोषणा की है उसमें ज़्यादातर स्पिनरों को जो है तवज्जो दिया गया है और माना गया कि धर्मशाला की जो पिच है वो पेसरों के लिए काफ़ी फायदेमंद रही है, तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? ऐसा है पिच के बारे में, स्पिनरों को तो जब भी कोई एशियन किसी भी कंट्री का दौरा होता है तो स्पिनर्स को हमेशा जो बाहर से यूरोप के जो भी कंट्रीज आती हैं वो स्पिनर्स को हमेशा तवज्जो देती है, कि उनके माइंड में दिमाग में यही चलता है कि हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में या श्रीलंका में बांग्लादेश में मैक्सिमम आपको स्पिन विकेटें मिलेंगी, तो इसी हिसाब से सब अपनी अपनी तैयारियाँ करते हैं। बाकी विकेट का तो ऐसा कुछ भी मैं बताने की उसमें नहीं हूँ, तो हमारे कुरेक्टर हैं जो वो एक सही ढंग से आपको बता पाएंगे। इसके अलावा सर, अमूमन जो है लूना की एकता को खुश करने के लिए आपन किया जाता है पूजा पाठ के बल भी पिक्चर देखने को जी बिल्कुल, फरवरी माह में हम कभी भी इंद्रनाथ जी के दरबार में जा सकते हैं, वो तो हमेशा रहते हैं और हर बार ही जाते हैं, भगवान हमारी सुनता भी।